नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव में इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तथा बीजेपी के मध्य बहुत ही जोर तोर से तैयारियां चल रही है। जी हां साथियों, वही हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों का वोट बैंक किस पार्टी को सपोर्ट करने वाला है, जैसे जाने इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैन साथियों, हम आपको बता दें कि क्या कहता है किसानों का वोट बैंक। दबदबा होने के बाद भी क्यों नहीं बदल पाते हैं समीकरण। जाने पूरा क्या बनाया है बीजेपी ने खेल और क्या होगा इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का हल। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें कि 11,97,000 किसान समय पर ऋण न चुकाने के कारण आपात हो गए थे। इन्हें ना तो ब्याज का ऋण मिल रहा था और ना ही सरकारी समूह के खाद बीज सरकार द्वारा ब्याज माफी भी की गई थी। तभी हम बात को बता दें कि किसान सरकारी सुविधा लेने के लिए पात्र हुए थे। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार न होने के कई कारण भी हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ऐसे कई भी किसान हैं जो अभी भी जिन्हें कई लाख रुपए कर्ज देना है। जी हां साथियों, भैया आपको बता दें कि 11,97,000 किसान ऐसे थे जो सरकारी समूहों का बिना ब्याज का कर्ज तक नहीं चुका पा रहे थे। मध्य प्रदेश को तो अब तक 7 कृषि निर्माण कर्मठ अवार्ड भी मिल चुके हैं। जैन साथियों, भैया आपको बता दें कि प्रदेश में 1,11,00,000 किसान उनसे जुड़े हुए, जो लोगों को देखें तो यह सबसे बड़ा वर्ग ही नजर आता है। आखिरकार मध्य प्रदेश के किसानों का वोट किस पार्टी को सपोर्ट करने वाला है। जैन साथियों, बने रहिए न्यूज के साथ। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार अगर बीजेपी सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है तो किसान का वोट बैंक बीजेपी सरकार को ही सपोर्ट करने वाला है। जैन साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।